नमस्कार, मेरा नाम है प्रियन और आप देख रहे हैं टिकटॉक। दोस्तों, आज का दिन बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए बेहद खास है क्योंकि आज उनकी बर्थडे है। बात यहां सिर्फ उनके बर्थडे की नहीं है बल्कि उनकी अपकमिंग फिल्म शेरशाह का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया गया है। जाबाज आर्मी कप्तान विक्रम बत्रा के फौजी लुक में सिद्धार्थ मल्होत्रा आर्मी मैन से कम नहीं लग रहे हैं। पोस्टर में वो आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, बड़े पर्दे पर शहादत और बहादुरी के इन अलग रंगों को दर्शाना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। दरअसल ये एक ट्रू स्टोरी है कप्तान विक्रम बत्रा की। सिद्धार्थ ने यह भी लिखा कि कप्तान विक्रम बत्रा के इस सफर को श्रद्धांजलि देते हुए हम उनसे जुड़ी अनसुनी कहानी दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। फिल्म की रिलीज डेट भी आपको बता देता हूं। फिल्म रिलीज होगी 3 जुलाई को। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा कप्तान विक्रम बत्रा और उनके भाई विशाल बत्रा के डबल रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में कियारा आडवाणी उनकी मंगेतर डिंपल चीमा का किरदार निभा रही हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के तले बन रही संदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई और इसको डायरेक्ट करेंगे विष्णुवर्धन। गौरतलब है कि कप्तान विक्रम बत्रा ने कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्र की रक्षा करते हुए अपने प्राण का बलिदान कर दिया था। उन्हें उनके शौर्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह था, इसी नाम पर ही उनकी बायोपिक का नाम भी रखा गया। करण ने फिल्म के 2 पोस्टर शेयर किए जिसमें सिद्धार्थ वर्दी में जवानों के बीच नजर आ रहे हैं। करण ने लिखा कि हम कारगिल वॉर के हीरो को सम्मान में अपना सर झुकाते हैं और इस फिल्म के जरिए श्रद्धांजलि देते हैं। इससे पहले भी कारगिल वॉर पर फिल्में बन चुकी हैं। सिर्फ कारगिल ही नहीं, इंडियन आर्मी के सम्मान में बॉलीवुड में कई फिल्में बनाई गई हैं जिनमें बॉर्डर, लक्ष्य, LOC कारगिल और हाल फिलहाल में रिलीज हुई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। वहीं अगर सिद्धार्थ के वर्क फ्रंट की बात करें तो 2020 में शेरशाह के अलावा सिद्धार्थ और आलिया की फिल्म आशिकी 3 भी रिलीज होगी। तो दोस्तों, अब आप बताएं कि आपको शेरशाह का पोस्टर कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें टिकटॉक।